ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं सब? मस्त। ऑनलाइन वाले कैसे हैं सब? एक बार साथ में कंफर्म कर देंगे, आवाज, वीडियो, स्क्रीन सब क्लियर है? ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ओके, चलिए शुरू करें। क्या पढ़ रहे थे अपन? क्या पढ़ रहे थे लॉ में? अरे इतना तो बता दो, क्या पढ़ रहे थे? टॉपिक एक्ट, एक्ट सिर्फ उतना पूछ रहा हूं मैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एलिमेंट्स और उसके वो डिटेल्स क्या थे यार कॉन्ट्रैक्ट के? कैसे क्या बनता है कॉन्ट्रैक्ट, क्या उसके डिटेल्स क्या थे? मैं देखो यार मासूम हूं, मेरे को ज्यादा नहीं गया, मैं भूल जाता बार बार, आप लोगों को बताना पड़ेगा मुझे हर रोज। पहले अपन लिखते हैं कॉन्ट्रैक्ट। क्या थे इसके दो एलिमेंट्स? एग्रीमेंट एंड एनफोर्सिबिलिटी। परफेक्ट। इसके बाद में एनफोर्सिबिलिटी तो ठीक है, एनफोर्सिबल मतलब होना चाहिए कोर्ट में, वो फोर्स मतलब कोर्ट में वैलिड होना चाहिए। अग्रीमेंट में क्या, वहां पर दो एलिमेंट्स थे हमारे, प्रॉमिस, एक था प्रॉमिस और दूसरा कंसिडरेशन। परफेक्ट। और प्रॉमिस के अंडर बस लास्ट एक और कुछ दो डिटेल्स या दो पॉइंट्स थे, क्या थे वो? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो एकदम ग्राउंड लेवल पे मैं देखूं तो चार एलिमेंट्स कौन से मेरे जरूरी हुए? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन प्लस एनफोर्सेबिलिटी, ठीक है, ये सब मिला के मेरा कॉन्ट्रैक्ट बनता है। और क्या देखा था अपन ने? एलिमेंट्स, एसेंशियल एलिमेंट्स देखे थे कॉन्ट्रैक्ट के, कुछ याद है? धुंधला सा, दो थे उसमें, एक थे जो कि सेक्शन 10 में है, वेरी गुड, सेक्शन, एक है जो सेक्शन 10 में दिए हुए हैं, एक है जो सेक्शन 10 में स्पेसिफिकली नहीं दिए हुए हैं बट वो मैंडेटरी है। कौन से थे? सेक्शन 10 में जो नहीं दिए हुए हैं बट एनालिसिस के हिसाब से वो मैंडेटरी है, कौन से थे वो एलिमेंट्स? याद करो, याद करो। टू पार्टीज, परफेक्ट, टू पार्टीज। और क्या थे? एसेंशियल्स, टू पार्टीज और इंटेंशन, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। क्या थी फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज? वो स्पोकन भी रह सकता है, लिखा हुआ भी रह सकता है, बट बेटर टू हैव अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन अग्रीमेंट, इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। सेक्शन 10 में कुछ जो स्पेसिफिकली दिए हुए हैं वो कौन से थे? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, फ्री कंसेंट, कंसेंट जो है वो फ्री चाहिए थी। उसमें दो चीजें क्या थी? एक तो कोएर्शन, अंडू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, इन चीजों से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होना चाहिए, और दूसरा कंसेंसस एड आइडम, मतलब मीटिंग ऑफ माइंड्स, सेम चीज, बोथ पार्टी शुड बी एट सेम पेज। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, तीन क्वालिफिकेशन स्पेसिफिकली दिए हुए थे, एक 10 साल के ऊपर चाहिए बंदा, 18 साल के ऊपर चाहिए, बी साउंड माइंड का चाहिए, पत्थर फेंकने वाला नहीं चाहिए लोगों पे, और सी, सॉरी, हाँ वही अनसाउंड माइंड, मतलब साउंड माइंड का चाहिए बेसिकली, और तीसरा शुड नॉट बी डिसक्वालिफाइड स्पेसिफिकली बाय लॉ।
चौथा पॉइंट क्या था? कंसिडरेशन, लॉफुल होना चाहिए कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, एंड एक्सप्रेसली वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जाना चाहिए। अब आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे। उससे पहले आज की थोड़ी सी बस छोटी सी प्रैक्टिस। एक बुक पेन प्लीज, लंबा नहीं, छोटा सा एक आज। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, यस डिस्क्वालिफाइड, परफेक्ट देवराज। रेडी? डिस्टिंग्विश बिटवीन अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। तीन से चार पॉइंट बस। डिस्टिंग्विश बिटवीन अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। Distinguish between agreement and contract. Let me know when done. ऑनलाइन गाइस सब लिख रहे हैं ना? देवराज, समृद्धि, श्रावणी, सोहम,
लास्ट टू मिनट्स, ओके दैट्स इट, दैट्स इट। कितने पॉइंट्स लिखे, कितने पॉइंट्स लिखे? नहीं लिखे, क्यों नहीं आ रहे? आपने कितने लिखे? दो। ओके नहीं, आपने थ्री, आपने थ्री। ओके ऑनलाइन गाइस कितने पॉइंट्स लिखे? थ्री, थ्री। परफेक्ट, ठीक है। क्या थे हमारे पॉइंट्स? अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंशिएशन, मीनिंग। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? मीनिंग। एवरी प्रॉमिस एंड सेट, एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन वॉज एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट वॉज अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी। स्कोप, अग्रीमेंट हैज अ वाइडर स्कोप, कॉन्ट्रैक्ट हैज अ नैरोअर स्कोप। स्कोप वो वाइडर किस सेंस में बोल रहे हैं अग्रीमेंट का? सोशल एंड अदर एग्रीमेंट्स, राइट। लीगल ऑब्लिगेशन, इट मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन और कॉन्ट्रैक्ट नेसेसरीली क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन। एंड लास्ट वाला इंपॉर्टेंट सेंटेंस जो हमने एक क्वेश्चन लिखा भी था, ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स। कितना रिजेम्बलिंग, कितना सिमिलर है अपना आंसर? कुछ थोड़ा सा एटलीस्ट, राइट। ये कैसे होगा फिर धीरे धीरे? ये होगा रिविजन से। अभी नहीं आ रहा है अपने को, परसों पढ़ा हुआ। क्यों? क्योंकि अपन ने अच्छे से रिवाइज नहीं किया। रिवीजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अपन यहाँ पे क्लास में पढ़ ले, लिख ले, मतलब लिखने की भी प्रैक्टिस अपन स्पेसिफिकली इसलिए कर रहे हैं। हो सकता है आपको लगे अपन टाइम ये क्या इतना ज़्यादा, मतलब ऐसा आपको लग सकता है, बट यही चीज़ अगेन मैं बोल रहा हूँ डिफरेंस क्रिएट करती है लास्ट में। जितना आप समझोगे, पढ़ोगे, लिखने की प्रैक्टिस करोगे, अपन जो लिख रहे हैं उसको एक बार कंपेयर करने का बुक में से, कि क्या अपनी क्या समझ थी, बुक ने क्या समझाया था, अपन ने क्या लिखा बुक में, क्या एक्स्ट्रा था, क्या अपन ने मिस कर दिया। जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा ये चलते जाएगा, वैसे वैसे यू विल प्रोग्रेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हमारे। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टाइप्स, वेरियस टाइप्स। अब कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट इतने सारे अपन ने पढ़ लिए, बट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तीन मेन क्लासिफिकेशन में डिवाइडेड। कौन से? ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी और एनफोर्सिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन एंड परफॉर्मेंस। किस तरीके से बना है? फॉर्मेशन, उसके बेसिस पे। परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस कैसे होगा उसके बेसिस पे। एंड वैलिडिटी उसकी और एनफोर्सिबिलिटी उसके बेसिस पे, ठीक है। वैलिडिटी और एनफोर्सिबिलिटी के बेसिस पे क्या है कॉन्ट्रैक्ट्स? पहला वाला, पांच सब डिविजन है उसमें। कौन सा? एक है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल, इलीगल एंड अनएनफोर्सिएबल। फर्स्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अग्रीमेंट विच इज बाइंडिंग एंड एनफोर्सिएबल इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? इट कंटेन्स ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नॉर्मल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सारे एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े थे अपन ने सेक्शन 10 में, और कुछ सेक्शन 10 में नहीं थे, राइट। सारे एसेंशियल एलिमेंट्स है, एनफोर्सिबिलिटी है सारे उसमें, ऑफर, एक्सेप्टेंस, एनफोर्सिबिलिटी, कंसिडरेशन, एवरीथिंग, एवरीथिंग इज देयर, इट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट।
नॉर्मल कुछ नहीं, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सब एलिमेंट्स है, इट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ए आज बी इफ ही वॉन्ट्स टू बाय इज बाइक फॉर 50,000, बी अग्रीज, इट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एंड अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. अब आता है हमारा मेन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ. सीजेस टू बी, सीजेस का मतलब स्टॉप्स, इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स void when it ceases to be enforceable. Thus, a void contract is the one which cannot be enforced by a court of law. Mera koi contract tha, mera koi contract tha normal, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट था, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, चल रहा था, चल रहा था, पर बीच में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस, कुछ ऐसी इवेंट, कुछ ऐसी कंडीशन, कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई कि वो कॉन्ट्रैक्ट अब इट्स नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म. ठीक है, कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी, कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन हो गई कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया जा सकता. ठीक है, तो उस पॉइंट से, उस सिचुएशन के पॉइंट से, उस कंडीशन या सर्कमस्टांसेस जब वो ऑकर होते हैं, उस पॉइंट से इट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. जिस पॉइंट से वो पॉसिबल नहीं है, तब से वो हो जाता है अनएनफोर्सिएबल. ठीक है, द पॉइंट फ्रॉम वेयर इट इज नॉट पॉसिबल और अनएनफोर्सिएबल, अब वो कोर्ट में एनफोर्स नहीं किया जा सकता, तो हमारा मेन एलिमेंट चला गया. ठीक है, इट बिकम्स अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज नलिटी, मतलब कुछ नहीं है, इट्स नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट नाउ. ठीक है, इट मे बी एडेड बाय वे ऑफ क्लैरिफिकेशन हियर दैट व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल. But for the purpose of identifying it, it has to be called a void contract. ठीक है, वो contract है ही नहीं अब उस point of time से, but still it is called a void contract. ठीक है, for example, मेरा एक factory है. ठीक है, factory है ये Mr. से, for example, Mr. B की. मिस्टर ए आए मिस्टर बी के पास में, उन्होंने बोला कि मेरे को गुड्स, ये कुछ प्रोड्यूस करते हैं, से फॉर एग्जांपल बैग्स प्रोड्यूस करते हैं. मिस्टर ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप मेरे को 1000 पैकेट्स ऑफ बैग जो है वो आप देंगे क्या. ठीक है, बी ने बोला ठीक है, आई विल प्रोड्यूस एंड आई विल सेल इट टू यू. ठीक है, इनकी डेट डिसाइड हो गई थोड़े टाइम बाद. अब क्या हुआ, वो कॉन्ट्रैक्ट होने की रात को ही बेचारे बी के फैक्ट्री में आग लग गई और फैक्ट्री स्टॉक के साथ साथ पूरी डिस्ट्रॉय हो गई. अब इस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पॉसिबल है, नहीं है, इसलिए इस पॉइंट से, बिकॉज ऑफ दैट इम्पॉसिबिलिटी, वो कॉन्ट्रैक्ट इज नाउ वॉइड, इट इज वॉइड. एक और एग्जांपल, से फॉर एग्जाम्पल मिस्टर, अगेन मिस्टर एक ए थे, एक मिस्टर बी थे. ठीक है, मिस्टर बी एक ही, मतलब एक, से फॉर एग्जाम्पल एक ने क्या बिल्डिंग थी मस्त बढ़िया सी, बहुत सारे उसमें फ्लैट्स थे. ड्राइंग थोड़ी खराब है मेरी, तो चला लो अभी. मिस्टर ए की बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया ए के साथ में कि भाई मेरी नई मैंने बिल्डिंग बनाया है. ए ने बोला बी को, आप मेरे को पेंट करके दोगे क्या पूरी बिल्डिंग. बी इज अ पेंटर. ठीक है, बी इज अ पेंटर. ए ने बोला बी को कि आप मेरे को मेरी पूरी बिल्डिंग पेंट करके दोगे क्या फॉर 1 लाख रुपीज. 1 लाख रुपीज के लिए आप मेरे को पूरी बिल्डिंग पेंट करके दोगे क्या. बी ने बोला ठीक है, कर देंगे, हमारा तो काम ही वही है. अब क्या हुआ, अगले दिन गवर्नमेंट ने
बोला कि ये जो बिल्डिंग है इसके सही से फॉर्मेलिटीज नहीं हुई है, लैंड जो है वो इल्लीगली ऑक्यूपाई किया गया है, इसको आप डिमोलिश करो। बिल्डिंग इल्लीगल है, बिल्डिंग इज नॉट लीगल, बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। अब इस केस में ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था, अब बिल्डिंग ही नहीं है तो पेंट कहां से होगा, परफॉर्म हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट नहीं, इस केस में दिस कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, ठीक है, इट कैनॉट बी एनफोर्स्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ। एग्जाम्पल्स एक बार दोनों फटाफट पढ़ लीजिए। ओके डन। क्या था वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हमारा, पहले कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था बट बिकॉज ऑफ सम सिचुएशन कंडीशन सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसी हो गई कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए नाउ द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट व्हेन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड बिकॉज ऑफ सम अनकॉल्ड हैपनिंग बिकम्स वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब वो सिचुएशन कंडीशन सर्कमस्टांसेस क्या हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे इलीगल हो गया या किसी की, जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है मिस्टर जिनसे परफॉर्म करना था उनकी ही डेथ हो गई, राइट, इम्पॉसिबिलिटी आ गई तो इट बिकम्स वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड टाइप, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2I बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इस पर नहीं गया, आया भी था शायद ये रिसेंट लास्ट एग्जाम में इसमें क्वेश्चन। सेक्शन 2I डिफाइंस दैट एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज देयर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सर मतलब क्या समझा नहीं, समझते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, ठीक है। अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें क्या हो सकता है, दोनों का प्रॉमिस होता है, कंसिडरेशन होता है, कोर्ट में दोनों भी जाके एनफोर्स कर सकते हैं, बट देयर आर सर्टन सिचुएशन सर्कमस्टांसेस जिसमें क्या होता है कि सिर्फ एक पार्टी, से फॉर एग्जाम्पल हियर ए, सिर्फ एक पार्टी हैव द पावर टू एनफोर्स और एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, दूसरे पार्टी के पास में नहीं है, एक ही पार्टी के पास में देयर इज अ पावर, देयर इज अ ऑप्शन, बेसिकली ऑप्शन उनके पास में ऑप्शन है कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब परफॉर्म या एक्सेप्ट कर सकता है, वो चाहे तो नहीं कर सकता है। सो इट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ दैट पार्टी। वो एक्सेप्ट करेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड एंड इट बिकम्स वॉइड। अब ऐसी क्या सिचुएशन, कैसे क्या हो सकता है, ये इसके तीन स्पेशल या तीन मेन कंडीशन सिचुएशन जो भी हम बोले वो है। पहला वाला, following are the situations where a contract is voidable, when the consent of a party is not free or is caused by coercion, undue influence, misrepresentation or fraud. एक हमारे पास में थे मिस्टर टिक, एक थे मिस्टर पैक। मिस्टर टिक के पास में है ना 10 लाख की ज्वेलरी थी, क्या थी, 10 लाख की ज्वेलरी। मिस्टर टैक को वो बहुत पसंद आ गई। मिस्टर टैक ने टिक को क्या बोला, मस्त दोनों अकेले बैठे थे, भाई तेरी ज्वेलरी बहुत पसंद है मेरे को बेचेगा क्या। बोले कितने में, बोले ज्यादा नहीं 1 लाख में।
दस लाख की ज्वेलरी एक लाख में बेच दे। टिक बोला पागल हो गया क्या, दस लाख की ज्वेलरी एक लाख में बेचेगा, बेचूंगा थोड़ी तेरे को मैं। टैग बोला अच्छा ठीक है, गन निकाल दे अब बेचेगा। टिक ने बोला भाई जान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई ले ले तू, फुकट में ले ले ज्वेलरी, फुकट में ले ले और मेरी जान बख्श दे। अब इसे ऐसे इसमें कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया राइट, बट यहां पर कंसेंट जो थी वो कैसे आई थी टिक की, बाय फोर्स बाय कोएर्शन। कंसेंट जो है वो फ्री नहीं थी राइट, कनेक्ट कर पा रहे हो, पहला पढ़ा था अपन ने कोएर्शन, अंडू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, मिस्टेक राइट। यहां पर टिक की जो कंसेंट है वो फ्री नहीं थी। तो अब ये मामला अगर कोर्ट में गया तो टिक के पास में ऑप्शन है कि वो बोले कि भाई मेरी कंसेंट यहां पर फ्री नहीं थी, ये मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ठीक है, टिक के पास में ये ऑप्शन है कि वो बोल सकता है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन मैं मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट नहीं करूंगा। इस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होगा एंड इट वुड बी अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। सो इट इज सेड टू बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ टिक। ठीक है, टिक के पास में ऑप्शन है कि वो चाहे तो ठीक है भाई, टैग जान दे अपना ही भाई है जो है, माफ कर दे, कर लेते हैं अपन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, भले ही उसने मेरी कंसेंट ऐसे ली थी, अगर ऐसा उसने सोचा तो वो करा भी सकता है कॉन्ट्रैक्ट। उसने एक्सेप्ट कर लिया तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो जाएगा, इट वुड बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यहां पर इस एग्जाम्पल में ऑब्वियसली वो कंसेंट फ्री नहीं थी तो वो एलिमेंट वैसे मिस हो जाएगा, बट जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल। ठीक है, एक बार ये वाला एग्जाम्पल जो इन्होंने दिया हुआ है वो भी पढ़ लीजिए। When the consent of party is not free, that is caused by coercion, undue influence, misrepresentation or fraud. नुकसान होने वाली पार्टी के पास में क्या है, ऑप्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। रिसाइंडिंग मतलब कैंसिल करना, वो ऑप्शन वाई के पास में नहीं है ऑब्वियसली। ओके, दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, When a person promises to do something for another person, but the other person prevents him from performing his promise, the contract becomes voidable at the option of first person. कुछ नहीं, वो सिर्फ लैंग्वेज ऐसी लिखी हुई है, सिंपल ऐसे नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट था। से फॉर इसी एग्जाम्पल में टिक टैक में 10 लाख की ज्वेलरी, इसने बोला कि भाई मैं तेरे को बेचूंगा 10 लाख की ज्वेलरी, मैं बेचूंगा आज से तेरे को 15 दिन बाद। अब 15 दिन बाद टिक बोलता है, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अग्रीमेंट कर लिया, सब बना लिया, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब बाद में जाके टिक बोलता है कि भाई नहीं, मेरा मन बदल गया, मुझे नहीं बेचनी है। ठीक है, अब ऐसे थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं ना, कभी भी कोई भी आके पहले हाँ कर लेगा, उसके बाद में बोलेगा नहीं अभी मन नहीं है। ऐसे इसमें उसका मन नहीं है, तो अब एक्सेप्ट करना नहीं करना ये टैग के पास में ऑप्शन है। टैग चाहे तो ठीक है भाई, तेरा मन नहीं है, जान दे अपन कॉन्ट्रैक्ट, कैंसिल कर देते, इट्स नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इन दैट इवेंट। बट टैग चाहे तो वो एनफोर्स कर सकता है कि भाई नहीं, तूने कॉन्ट्रैक्ट किया था, तूने बोला था, तो तेको बेचना ही पड़ेगा। ठीक है, क्लियर, एग्जाम्पल पढ़ लीजिए। वो
ठीक है। तीसरी कंडीशन, सपोज यहां पर एक मिस्टर अगेन ए बी, और कोई नाम बताओ रे, कौन सा फेमस नाम है, चलो कोई भी नाम लेते हैं अपन रैंडम, अखिल और भानु, ठीक है। अखिल और भानु, यहां पर क्या था, भानु की अगेन एक फैक्ट्री थी, ठीक है। अखिल भानु के लिए रॉ मटेरियल का सप्लायर था, ठीक है। अब भानु को कुछ गुड्स दे बेचने थे किसी को, यहां पर कुछ उसके बायर्स थे, तो भानु को वो गुड्स बेचने थे अगले महीने की 5 तारीख तक, फिफ्थ से, फॉर एग्जांपल अभी क्या है, आज क्या है 17 जून, 5 जुलाई तक भानु को वो बेचने थे। भानु को प्रोसेस करने के लिए लगते हैं से फॉर एग्जांपल 5 दिन, ठीक है। अब भानु ने अखिल को क्या बोला कि भाई मेरे को रॉ मटेरियल बेच, तू मेरे को रॉ मटेरियल कब तक चाहिए, मेरे को रॉ मटेरियल एनी हाउ चाहिए 30 जून तक, ठीक है, ताकि मैं फिर 5 दिन में उसको करूंगा तो मैं 5 जुलाई को बेचूंगा, वही मेरा पूरा प्रोसेस है, मेरे को 30 जून तक क्या तू रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा। अखिल ने बोला ठीक है कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट बना लिया रॉ मटेरियल का। अब अखिल भाई एकदम आलसी आदमी, उसने कुछ ध्यान नहीं दिया, इधर उधर टाइम पास किया मस्त लेट लेट के, कुछ कुछ नहीं किया। इसको ध्यान में आया 29th को कि अरे अपने को तो भानु को डिलीवरी करना था, उसने सब अरेंज किया, रॉ मटेरियल इधर उधर से सब कुछ किया, और वो डिलीवर इसको कर पाया सिर्फ 2 जून को। अब इस केस में भानु बेचारा क्या करेगा, भानु की तो मतलब लग गई राइट, उसको तो 5 जुलाई तक बेचना था आगे। ऐसे केस में भानु के पास में ये ऑप्शन है कि वो ये कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर दे, कैंसल कर दे, ठीक है, एक्सेप्ट ना करे। क्योंकि इट इज नॉट परफॉर्म्ड ऑन और इन टाइम स्पेसिफाइड, ठीक है, जो उन्होंने टाइम डिसाइड किया था कि भाई मेरे को 30 जून तक देगा तू गुड्स, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो टाइम तक उसने नहीं कर पाया परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट, तो भानु के पास में ऑप्शन है कि भाई मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगा, अब मेरे को रॉ मटेरियल लेके कोई मतलब नहीं है। When a party to a contract promises to perform a work within a specified time, could not perform within that time, the contract is voidable at the option of promisee. ठीक है, एक बार वो example पढ़ लीजिए। क्या था, टाइम एसेंशियल था, उस टाइम तक अगर डिलीवर नहीं किया तो दूसरी पार्टी के पास में ऑप्शन है कि वो एक्सेप्ट ना करे, वो चाहे तो एक्सेप्ट कर सकता है, बट नहीं करे तो इट्स नॉट कंपलसरी। वॉइडेबल में अपन ने, वॉइडेबल मतलब क्या है, सबसे पहले तो एक वर्ड में अगर अपन बोले तो ऑप्शन, एक पार्टी के पास में क्या है, ऑप्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करे या ना करे, ठीक है। उसमें 3 सिचुएशंस थी अपन ने, कौन सी, पहले वाला क्या है, जब कंसेंट फ्री नहीं हो, ठीक है, ऐसे इसमें मतलब ऑप्शन किसके पास में रहता, जिसने कंसेंट मतलब ऐसे बंदूक दिखा के जिसने कंसेंट ली, या जिसकी कंसेंट ली गई, किसके पास में, जिसकी कंसेंट ली गई। दूसरा केस क्या था, व्हेन अ पर्सन प्रॉमिसेस टू डू समथिंग फॉर अनदर पर्सन बट अदर पर्सन प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम परफॉर्मिंग, एक ने आके बाद में मना कर दिया, तो दूसरे के पास में ऑप्शन है, नहीं भाई करना ही पड़ेगा, या फिर ठीक है जान दे मत कर। और तीसरा वाला टाइम,
ठीक है, जो भी एग्रीव पार्टी है उसके पास में, मतलब जो नुकसान में पार्टी है, जिसको एग्रीव पार्टी है उसके पास में ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन है, ऑप्शन मतलब ऑप्शन से ध्यान में रखो, वन पार्टी हैज द ऑप्शन टू कैंसल और रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, इट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। एट दिस जंक्शन इट वुड बी डिजायरेबल टू नो द डिस्टिंक्शन बिटवीन अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल। वॉइड और वॉइडेबल में डिफरेंस क्या है, क्विकली एक बार पढ़ेंगे सब लोग। देवराज, एग्रीव पार्टी मतलब जो नुकसान में है, मतलब जो पार्टी, जिस पार्टी के साथ में इनजस्टिस हुआ है, ऐसा समझिए। डन। मीनिंग कॉन्ट्रैक्ट सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल। पॉइंट सरकमस्टांस सिचुएशन, जब जहां से वो मतलब ये हो गया, सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल, कुछ ऐसा इम्पॉसिबिलिटी आ गई, कोई सिचुएशन सरकमस्टांसेस आ गए, उस पॉइंट से इट इज वॉइड, इट बिकम्स अनएनफोर्सिएबल। Voidable क्या था, ऑप्शन। Enforceable by law at the option of one or more parties thereto। सर वन और मोर कैसे हो सकता है, दो ही तो है। देखिए कॉन्ट्रैक्ट में कभी कभी दो से ज्यादा पार्टीज भी रह सकती है, ठीक है, आएंगे अपन उस पर भी। तो ऐसे इसमें हो सकता है कि एक पार्टी के इस पे ना हो, बाकी दो को ऑप्शन हो, ठीक है, दैट केस। अगर दो ही पार्टी है दोनों के इसमें, तो वो इट्स नॉट अवॉइडेबल, बट दे आर टॉकिंग अबाउट मोर देन, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट में मोर देन टू पार्टीज होती है। But not at the option of other or others is a voidable contract. Enforceability, void contract enforceable है कि नहीं है, नहीं है, void contract cannot be enforced at all. Voidable enforceable है क्या, enforceable है only at the option of aggrieved party and not at the option of other party. Other party के पास में वो power, वो option नहीं है। Cause क्यों होता है void contract, ड्यू टू चेंज इन लॉ और चेंज इन circumstances बियॉन्ड contemplation ऑफ parties, parties के मतलब parties के हाथ में नहीं है वो चीज, कुछ ऐसा बाहर की चीज, impossibility, ये लॉ ही चेंज हो गया। जैसे अपन ने बोला था कि वो बिल्डिंग को इलीगल डिक्लेयर कर दिया उन्होंने, राइट। वॉइडेबल, अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल इफ द कंसेंट ऑफ अ पार्टी वॉज नॉट फ्री, और दो सिचुएशंस और थी, कौन सी, टाइम वाली और प्रॉमिस, राइट। परफॉर्मेंस, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी परफॉर्म, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो इम्पॉसिबिलिटी है परफॉर्मेंस की, नहीं होगा परफॉर्म। Voidable में, if the aggrieved party does not within the reasonable time exercise his right to avoid the contract, any party can sue the other for claiming the performance of contract. Basically वो बस इतना बोल रहे हैं कि other party के पास में option है, but वो option भी उसने जो reasonable time है, जो specific time period है, उसमें उसने exercise कर लेना चाहिए कि भाई मेरे को नहीं चाहिए contract। वो ऐसे ही बैठा है, कुछ कर नहीं रहा, तो और time बहुत निकलते ही जा रहा, time हो गया, तो फिर उसके बाद में दोनों party कर सकती है। राइट्स, राइट क्या है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट ग्रांट एनी लीगल रेमेडी टू एनी पार्टी, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, किसको कौन सा कैसा राइट इसमें, द पार्टी हुज कंसेंट वॉज नॉट फ्री हैज द राइट टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट विद इन अ रीजनेबल टाइम।
रीजनेबल टाइम मतलब इट डिपेंड्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट एंड सिचुएशन, क्या रीजनेबल टाइम है. इफ सो रिसाइंडेड इट बिकम्स अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इफ इट इज नॉट इट बिकम्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. वॉइडेबल जिसके ऑप्शन पे है उसने एक्सेप्ट कर लिया तो वो वैलिड हो गया, नहीं किया तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया. ओके, यहां तक क्लियर सबको? कोई डाउट? अब इसमें एक और छोटी सी टेक्निकल चीज समझिए. यहां पर ऊपर अपन ने लिखा था वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है. इसमें यहां पर एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर इज कॉल्ड अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. अब एक बात बताओ, यहां पर ये अग्रीमेंट क्यों लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं लिखा हुआ है? ये सिर्फ एक लॉ का मतलब अपन एक डिटेल देख रहे हैं. कंसिडरेशन. अब ऐसा देखिए, अगर वहां पर कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया तो इसका मतलब वहां पर तो सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी आ गए, राइट. एंड कॉन्ट्रैक्ट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ, कॉन्ट्रैक्ट के ऑलरेडी तो दो है ना, एक अग्रीमेंट और एक एनफोर्सिबिलिटी. अपन पहले ही कॉन्ट्रैक्ट बोल रहे तो उसमें एनफोर्सिबिलिटी आ गया ऑलरेडी उसमें, और फिर विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ, ये पॉइंट तो आ ही नहीं सकता. समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं, राइट. इसीलिए वहां पर अग्रीमेंट लिखा हुआ है, अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल देन इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है. जस्ट एक टेक्निकल पॉइंट है, मतलब नॉर्मल कॉमन पार्लेंस में जो जनरल लोग है वो सब लोग ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट को इंटरचेंजेबली यूज करते, बट सिंस अपन इतना अच्छे से लॉ पढ़ रहे अपने को डिफरेंस मालूम होना चाहिए. कोई भी बोला अभी अग्रीमेंट, ए बोलना अग्रीमेंट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट दोनों अलग है. इलीगल कॉन्ट्रैक्ट एक बार क्विकली पढ़ेंगे सब लोग. ओके, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट सिंपली जो चीज इलीगल है, जो चीज फॉरबिडन है बाय लॉ, इट इज इलीगल कॉन्ट्रैक्ट. एक्चुअली देखा जाए तो वो शुरुआत से वो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, ठीक है. इसलिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड वॉइड एब इनिशियो. एक और टर्म आपके लिए, वॉइड एब इनिशियो मतलब शुरुआत से ही, उसके जन्म से ही, द पॉइंट फ्रॉम विच इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, वहीं से वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, ठीक है. इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच द लॉ फॉरबिड्स टू मेक, द कोर्ट विल नॉट एनफोर्स सच अ कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल्सो द कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट. इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है ऑब्वियसली, कोर्ट में एनफोर्सिबिलिटी की, कोर्ट में मतलब लॉ ही बोलता है कि वो नहीं हो सकता है तो कैसे, क्या एनफोर्सिबिलिटी, काय की एनफोर्सिबिलिटी. अब दूसरा पॉइंट, द कोर्ट विल नॉट एनफोर्स सच कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल्सो द कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट. ऐसा समझो कि फॉर एग्जाम्पल ए ने बी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई तू मिस्टर डी को उड़ा दे, कॉन्ट्रैक्ट टू किल, ठीक है, फॉर 1 लाख रुपीज. इसने क्या की, सुपारी दे दी बी को, ठीक है. ए और ए क्या बोला कि भाई तू एक बार मार दे तो फिर मैं तेरे भाई को सी को एक दूसरा
गुड्स का गुड सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट दे दूंगा फॉर 5 लाख रुपीज मेरी फैक्ट्री के लिए। ठीक है, अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये तो ए और बी का, ये तो इलीगल है। ए और सी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अगर इसको छोड़ दे ए और बी वाले को तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैसे वैलिड है, बट क्योंकि क्योंकि इट इज कनेक्टेड और कोलैटरल और डिपेंडेंट ऑन दिस इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट भी जो ए और सी का है वो इलीगल हो जाएगा। ठीक है, एनी कॉन्ट्रैक्ट कनेक्टेड डिपेंडेंट और कोलैटरल टू इलीगल कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वो एनफोर्स नहीं हो सकता। एंड इलीगल अग्रीमेंट्स आर वॉइड, बट ऑल इलीगल अग्रीमेंट्स आर वॉइड, बट ऑल वॉइड अग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरीली इलीगल। मतलब आप समझाएंगे, कौन बोलेगा? ट्राई ट्राई कीजिए। अब देखिए, एक तो हो सकता है परफेक्ट इलीगल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमेशा एनफोर्सेबल तो वो रहेगा ही नहीं, वॉइड एब इनिशियो शुरुआत से ही वो वॉइड रहेगा, तो हर एक इलीगल कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड। ठीक है, लेकिन जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है उसके होने के तो कई सारे ऑप्शंस या कई सारे सिचुएशंस है, उसमें इलीगल है मतलब इलीगल हो सकता है, कोई इम्पॉसिबिलिटी हो सकती है, या कोई अदर सिचुएशन जो भी है वो भी हो सकती है, राइट? तो क्या हर इलीगल अग्रीमेंट वॉइड है? है, बट हर वॉइड अग्रीमेंट इलीगल हो ये जरूरी नहीं है। इट कैन बी वॉइड बिकॉज ऑफ अदर एलिमेंट्स अदर देन इलीगैलिटी also. ठीक है, डिस्पाइट दिस देर इज सिमिलैरिटी बिटवीन देम एंड देर इज अ सिमिलैरिटी बिटवीन देम इज दैट इन बोथ केसेस दे आर void ab initio एंड cannot बी enforced बाय लॉ। void ab initio क्या हो गया भाई इसको? Contract that is immoral or opposed to public policy are illegal in nature. Similarly, if R agrees with S to purchase brown sugar, it is an illegal agreement. क्या हो सकते हैं illegal agreements के और example? सुपारी, murder, right? Drug supply करना या कोई proceedings चल रही है court की, case की, उसको किसी तरीके से रोक देना, right? All these are illegal contracts. An agreement not enforceable by law is void. ठीक है, the act has specified various factors due to which an agreement may be considered as void agreement. देखा अपन ने, अलग अलग circumstances हो सकते हैं. One of these factors is unlawfulness of object and consideration, that is illegality, which makes it void. कुछ नहीं, वो जो अपन ने ऊपर discuss किया बस उसी को वहां पे उन्होंने explain किया है. Illegal and void agreements differ from each other. एक बार पढ़ेंगे सब लोग quickly. मतलब लॉ मना करता है,
void agreement is not necessarily illegal. Illegal agreement is definitely void. Nature, void agreements not necessarily forbidden by law हो, कुछ और situation circumstances की वजह से हो सकता है, but illegal agreements are forbidden by law. Punishment, void agreement में हो सकता, मतलब ऐसा जरूरी है क्या punishment होगी, right? Parties are not liable for any punishment under the law. Illegal agreements में parties to illegal agreements are liable to punishment. Collateral agreements, जैसे कि अपन ने connected का example देखा, it's not necessary that agreements collateral to void agreements may also become void, it may be valid also. Agreements collateral to illegal are always void. यहां पर अपना कौन सा example था, ठीक है, वो जो अपना कॉन्ट्रैक्ट था, मतलब ए ने बी को अगर मारने के लिए, और कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट सी, यहां पर कौन था डी और यहां पर सी, अगर ये इलीगल है तो ये कॉन्ट्रैक्ट अगर इलीगल है तो ए और सी का भी वॉइड हो गया. बट से फॉर एग्जांपल ये इलीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ये कोई एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट था, बट उसमें किसी सिचुएशन के वजह से इम्पॉसिबिलिटी आ गई, ठीक है, ये इलीगल नहीं था, ये फॉर एग्जाम्पल ऐसा था कि भाई तू बिल्डिंग पेंट कर दे, जो अपन ने पेंटिंग का एग्जाम्पल दिया था, बी को बोला था तू अगर मेरी बिल्डिंग पेंट कर देगा तो उसके बाद मैं तेरे भाई को भी 5 लाख का गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट दे दूंगा, ठीक है. अब वो बिल्डिंग गवर्नमेंट ने बोल दी कि नहीं डिमोलिश करो, ठीक है, अब वो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो गया वहां पे, राइट, बट इन दैट केस दिस कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड सी इज स्टिल वैलिड, ठीक है. So collateral agreements to a void contract can be, it's not necessary, I mean, कि मतलब वो void ही होंगे, it depends on situation, but illegal को जो भी connected agreements, collateral agreements है, वो definitely void and illegal होंगे. Last, unenforceable contract, unenforceable मतलब enforce नहीं किया जा सकता, अच्छा. Where a contract is good in substance, but because of some technical defect, that is absence in writing, barred by limitation, etc., one or both parties cannot sue upon it. It is described as an unenforceable contract. ये contract मतलब void, voidable, valid इन categories में नहीं है. Basically ये क्या है, एक normal अच्छा valid contract है. वो but उसमें क्या है, बस कुछ technical defect. कुछ तो टेक्निकल डिफेक्ट है जिसके वजह से कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं किया जा सकता. फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं है प्रॉपरली, राइट, या एक चीज है जिसे उसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है लिमिटेशन का, बार्ड बाय लिमिटेशन. क्या होता है, कोई कोई कॉन्ट्रैक्ट्स में ऐसा होता है कि आपने गुड्स दे दिए, अब पेमेंट लेने के लिए आपको क्लेम करने के लिए 3 साल की लिमिट होती है, ठीक है, 3 साल में आप जाके उनसे पैसे मांग लो, आपने 3 साल तक मांगे ही नहीं पैसे, तो सामने वाली पार्टी क्या बोल सकती है कि भाई अभी तूने 3 साल तक मांगे नहीं, इट इज बार्ड बाय लॉ ऑफ लिमिटेशन. एक लॉ ऑफ लिमिटेशन होता है, उसमें डिटेल्स में अपन जाते नहीं, बट बेसिकली लिमिटेशन होता है कि इस स्पेसिफिक टाइम तक अगर आपने पैसे नहीं मांगे तो वो फिटूस, वो आपको पैसे नहीं मिलेंगे. इन दैट केस इट कैनॉट बी एनफोर्स्ड. या फिर एबसेंस इन राइटिंग, बार्ड बाय लिमिटेशन, वन और बोथ द पार्टीज कैनॉट सी अपॉन इट, इट इज डिस्क्राइब्ड एज एन अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट. एग्जाम्पल ये पढ़ लीजिए एक बार क्विकली. ठीक है, तो सिंपली अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट इज बेसिकली द वन, सब वैलिड है, नॉर्मल है कॉन्ट्रैक्ट, बट कुछ टेक्निकल डिफेक्ट आ गया उसमें, कुछ टेक्निकल डिफेक्ट आ गया विच कैन बी, जैसे एब्सेंस इन राइटिंग, जैसे कुछ साइन वाइन नहीं है, या फिर लिमिटेशन से वो बार्ड हो गया, इस केस में इट इज टर्म्ड एज अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, किसी को कोई डाउट, 5 टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन से पढ़े अपन ने, वैलिड, void, voidable, illegal एंड
unenforceable. Perfect. Okay. Quickly, एक दो questions देखेंगे अपन. MCQ ही देखेंगे. MCQ obviously law में आते नहीं है, but just to test our knowledge. Agreement enforceable by law is promise, contract, obligation या lawful promise? Contract, सही जवाब. Avoid agreement is one which is enforceable at option of one party, not enforceable in court of law. C जो है enforceable at the option of one party, वो कौन सा हो गया? Voidable. Option जो है वो voidable में है. ठीक है, void contract is the one which is not enforceable in a court of law. Third, an agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties but not at the option of other is voidable. Perfect. When the consent of a party is not free, the contract is consent free नहीं है, voidable. क्यों? तीन देखे थे अपन ने voidable में, उसमें एक था, पहला ही था कि consent should be free. In case of illegal agreements, the collateral agreements are void. Illegal agreements में जो उसके साथ में जुड़े हुए contracts है वो void contract है. Seventh one, a proposal when accepted becomes promise. के दो थे, acceptance and offer. Offer के बाद में obviously acceptance. Last एक दो देखेंगे, tenth वाला. ऑनलाइन गाइस, टेंथ वाला. बी नो. सो हम बोल रहे हैं नो. क्यों? क्या नहीं है वहां पर, क्या मिसिंग है? क्या था उसका वर्ड अपन ने? साउंड माइंड नहीं, कंसेंसस एड आइडम. फ्री कंसेंट नहीं, सो हम फ्री कंसेंट नहीं, कंसेंसस एड आइडम. ठीक है, ओके. किसी को कोई भी डाउट यहां तक? सब समझा पक्का? ऑल गुड. तो आज के लिए यहां रुकते हैं लॉ में. विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू सो मच.